Hi, welcome to Bhavin Online Classes. In this session, we will start genetics, principle of inheritance and variation. So, genetics is the study of heredity and variation. Genetics ke yahan pe two aspects hai, heredity and variation. Ek old proverb hai, like begets like. Like begets like. Jo jaisa hai, wo waisi hi santan utpan karega. जो जैसा है वो वैसे ही संतान उत्पन्न करेगा. इसी के बेसिस पे है ये हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर. हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. पेरेंट्स के करैक्टर ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं. ये करैक्टर वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं. और क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि इमीडिएट जनरेशन से ही करैक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं. कई बार क्या होता है कि एंसेस्टर के करैक्टर एंसेस्टर एंड पेरेंट्स के करेक्टर प्रोजेनी में जाते हैं. जैसे कि ग्रैंड मदर के या ग्रैंड फादर के जो करेक्टर हैं वो ग्रैंड सन में चले जाएंगे, इस तरीके से. दूसरा है वेरिएशन. वेरिएशन क्या है? जैसे कि हम अपने माँ बाप से काफ़ी मिलते जुलते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम अपने माँ बाप से बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर हैं, उनकी कॉपी हैं, ऐसा भी नहीं. हमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं. हमारे पेरेंट्स की आईज़ के कलर ब्लू और ग्रीन हो सकता है और हमारा ब्राउन हो सकता है. जो जो डिफरेंसेस है हमारे में और हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स में, वही डिफरेंसेस वेरिएशन कहलाते हैं. वेरिएशन क्या है? इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन प्रोजेनी. और ऐसा नहीं है कि भाई पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में ही वेरिएशन होते हैं. जो ऑफस्प्रिंग है उनके, जैसे मेरे ब्रदर और सिस्टर, उनमें भी वेरिएशन हो सकते हैं. आइडेंटिकल ट्विंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको छोड़ के प्रोजेनी के बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं, और प्रोजेनी का उनके पेरेंट्स से भी डिफर करती हैं प्रोजेनी कुछ करेक्टर में. तो ये करेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस होते हैं. वेरिएशन सम जेनेटिक डिफरेंसेस भी होते हैं. वेरिएशन म्यूटेशन से भी हो सकते हैं, और म्यूटेशन इंड्यूस म्यूटेशन भी हो सकता है, और म्यूटेशन जो वेरिएशन म्यूटेशन से होते हैं वो म्यूटेशन इंड्यूस म्यूटेशन भी हो सकते हैं और अपने आप भी हो सकते हैं. दूसरा है क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन. ये हैं दो वेरिएशन के कॉजेज. और जो ये वेरिएशन है, ये सब जेनेटिक डिफरेंसेस होता है बिटवीन ऑफस्प्रिंग. और ये वेरिएशन हमेशा क्या होता है? टू टाइप्स का होता है. एक सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन. सोमेटिक वेरिएशन ये जैसे मेरे स्किन में चेंज हो गया, ऐसा नहीं कि ये मेरी मेरे बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा ये स्किन का चेंजेस. बट जो टेस्टिस और ओवरी में जो जर्मिनल सेल्स में जो वेरिएशन होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकते हैं. तो ये है वेरिएशन. और वेरिएशन हमेशा एक स्पीसीज में देखा जाता है. ऐसा नहीं कि ह्यूमन और डॉग के बीच में, डॉग्स और मुर्गी के बीच में, इस तरीके से हम वेरिएशन नहीं देखते हैं. वेरिएशन विद इन स्पीसीज को हम वेरिएशन देखा जाता है. और हेरिडिटी होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. और जो जो प्रोसेस जिस प्रोसेस से जिस प्रोसेस के जरिए ये ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस. ये इनहेरिटेंस बेसिस होता है किसका? हेरिडिटी का. इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ये सारे करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. और इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. इसको हम ऐसे समझते हैं, करेक्टर कैसे पास ऑन होते हैं. से प्रिया नाम की लड़की है, वो अपने ग्रैंडफादर को विजिट करती है जिसने गांव में गन्ने के खेत लगाए हुए हैं. ग्रैंडफादर का नाम है हरि. वो ऑब्जर्व करती है कि जो इनके ग्रैंडफादर है उसकी आईज का कलर है ग्रीन, और उसके पापा जिसका नाम है राम, फादर हैं ये प्रिया के,
और इनकी आईज का कलर भी ग्रीन है। और वो ये ऑब्जर्व करती है कि वो जो उसके फादर और ग्रैंडफादर है वो काफी हद तक सिमिलर है, एक जैसे दिखते हैं, बट जो इसकी आई है खुद की वो ब्राउन आई है और ये आई उसकी मदर की आई के कलर है। ब्राउन आई इसकी मदर की आई है, रिया नाम है उसकी मदर का। तो जो ये प्रिया है इसकी आईज का कलर है, आईज का जो कलर है वो ब्राउन है, बट इसके फादर का जो कलर है वो ग्रीन है, और ग्रीन ही इसके ग्रैंडफादर का है। यहां से करेक्टर पास ऑन हुआ उसके फादर में, और इसके मदर का करेक्टर पास ऑन हुआ प्रिया में। इस तरीके से ये करेक्टर पास ऑन हो गए, और ये रिया और प्रिया काफी मिलती जुलती हैं। इस तरीके से ये करेक्टर पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये फादर है और ये मदर है। जब ये फादर है ये मदर है, इसकी जो हेयर कलर है, आई कलर है ये ग्रीन, हेयर कलर है ब्लैक, इसका हेयर आई कलर है ब्राउन मदर का, और हेयर कलर है ब्लोंड या ब्राउन। और जो इनकी प्रोजेनी होगी वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सिमिलर हो। इसके कुछ करेक्टर में भी इनकी आईज का कलर ब्लू होगा और हेयर कलर डिफरेंट होगा, काफी ग्रे हेयर कलर होगा, ब्लैक नहीं होगा, ग्रे हेयर कलर होगा। तो एग्जैक्टली सिमिलर होना भी जरूरी नहीं है। ये अपने ये ऑफस्प्रिंग ये प्रोजेनी इनके पेरेंट्स से डिफरेंट भी हो सकती है। अब क्या होता है कि ह्यूमन का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो इसमें ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, जिसमें 22 पेयर तो होते हैं ऑटोसोम्स के और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स को डिसाइड करता है, एक्स वाई मेल और एक्स एक्स फीमेल। तो बेसिकली ये क्रोमोसोम होते क्या हैं, ये जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं। जीन वो सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। एक्चुअली क्रोमोसोम क्या होता है, जब डीएनए किसी प्रोटीन्स के चारों तरफ लिपट जाता है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, डीएनए कंडेंस होके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के से लिपटकर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये डीएनए काफी बड़ा होता है और ये कंडेंस होके ये क्रोमोसोम बनाता है, और इस क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं जो लोकस कहलाती हैं, और उस लोकस पे जीन प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जीन इज द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। ये जो डीएनए होते हैं ये कोडिंग, जो ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है ये कोडिंग भी हो सकता है और नॉन कोडिंग भी हो सकता है। बेसिकली जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स एट ऑल। जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि जीन्स का एक सेल में क्या रोल है और जीन्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मॉडर्न जेनेटिक्स तो जीन्स पे नहीं डीएनए पे काम करती है। एक केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इस पे काम करती है मॉडर्न जेनेटिक्स।
ये जो पेरेंट का डीएनए और ऑफस्प्रिंग का डीएनए, क्या क्या करेक्टर पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आजकल तो मॉडर्न जेनेटिक्स इस लेवल पे पहुंच गई है, हम डिजाइनर बेबी की बात करते हैं, नोकआउट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम मनचाहे बेबी पैदा कर सकते हैं। इस हद तक मॉडर्न जेनेटिक्स पहुंच गई है। अब हम देखेंगे इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स कि क्या पहले हमारे जो एंसेस्टर थे उनको जेनेटिक्स के बारे में पता था कि कैसे करेक्टर पास ऑन होते हैं। एनसीईआरटी ने जेनेटिक्स की शुरुआत करते हुए लिखा है कि एक एलिफेंट गिव राइज टू बेबी एलिफेंट, और जो मैंगो सीड है उससे हमें मैंगो का प्लांट ही ग्रो होगा, मिलेगा। तो अर्लियर एग्रीकल्चरलिस्ट थे जो 8000 to 10000 BC, वो जानते थे कि जो वेरिएशन है उनका कोजिस कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपा हुआ है, बट वो इसको प्रूव नहीं कर पाए। उनके पास इसका कोई बेस नहीं था। उन्हें पता था कि जो वेरिएशन है उनका कोज एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही हमें वेरिएशन मिलते हैं, बट वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए। साइंटिफिक बेसिस उनके पास नहीं था इस चीज़ का कि भाई वो सही कह रहे हैं। उन्हें पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ही, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके ही, सिलेक्टिव ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके ही वेरिएशन हमें मिल सकते हैं, अच्छी वैरायटी मिल सकती है। जैसे कि जो चिकन है, मुर्गी की जो वैरायटी है डोमेस्टिकेटेड की जाती थी सिलेक्टिव ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके, शिमला मिर्च की, कैबेज की, और जो साहिवाल काऊ और पंजाब है वो उसी का एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है सिलेक्टिव ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। जो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था कि नेचर सेलेक्ट करती है, वो तो है, बट नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी पॉसिबल था। जो ब्रीड किसी भी ब्रीड को हम उसमें वैरायटी पाते थे कि इसको इसके साथ क्रॉस करवा दिया जाए कैटल्स में, वो ऐसे ब्रीडिंग सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते थे और आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते थे कि ताकि उनकी जो दूध अधिक देते हैं, जिनकी जिनका स्टेमिना पावर ज़्यादा है, इस तरीके से म्यूल है जो हीनी है, इस तरीके से डोमेस्टिकेटेड किए जाते थे कैटल्स। तो वो हमारे पूर्वज भी जानते थे कि वो जेनेटिक्स को तो नहीं जानते थे, बट वो ये जानते थे कि वेरिएशन जो है, अच्छी वैरायटी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा के कैटल्स की, इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं वेरिएशन छुपा हुआ है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो ये जेनेटिक्स है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जो जेनेटिक्स है ये इन जनरल तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी है, बट इन पर्टिकुलर ये स्टडी ऑफ जीन्स है। इसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं। जीन्स जीन्स जिस डीएनए से बना होता है, डीएनए का क्या रोल होता है किसी सेल में, डीएनए ब्लूप्रिंट होता है पूरी बॉडी का, डीएनए कैसे पास ऑन होते हैं ऑफस्प्रिंग में, ये सब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स। सो ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जो ये ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स हैं, इसमें पढ़ते हैं कि जीन्स कैसे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाते हैं, उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में, कि करेक्टर और जीन्स कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, पेरेंट्स के करेक्टर ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रैवल करते हैं, किस तरीके से जाते हैं, जीन्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो पढ़ेंगे ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में। इसमें है मॉलिकुलर जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स, फंक्शन ऑफ जीन्स, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, प्रोटीन कैसे बनते हैं, उनका रोल क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, जो मेंडलिज्म की एप्लीकेशन है और जेनेटिक्स के कुछ अदर प्रिंसिपल है, उनका पॉपुलेशन में क्या रोल है, उन एप्लीकेशन का पॉपुलेशन में क्या रोल है, वो हम स्टडी करेंगे। मेंडेलियन एप्लीकेशन, मेंडेलिज्म की एप्लीकेशन और अदर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स का पॉपुलेशन में क्या रोल है, पॉपुलेशन में हम उनको कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। सो
जेनेटिक्स है, ये ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स है, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स टर्म्स दी थी विलियम बैटसन ने 1905 में दी थी विलियम बैटेशन ने, और इसने एलील टर्म भी दी थी। एलील टर्म भी विलियम बैटसन ने दी थी और जेनेटिक्स टर्म भी विलियम बैटसन ने दी थी। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, ये थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हम पढ़ेंगे कि मेंडल से पहले भी लोगों को पता था जेनेटिक्स के बारे में, उनकी क्या थ्योरी थी। ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, जिसमें बताया गया था कि प्री मेंडलियन जेनेटिक्स, कि मेंडल से पहले भी जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस थी, लोगों का जेनेटिक्स के बारे में क्या सोचना।